Good morning, students. Today is your GK class. Now today we are going to start chapter 21. The name of the chapter 21 is Great Emperors. Great means hota hai mahan aur emperors means hota hai yodha. Jo hamare kuch hamare desh ke mahan yodha hue hai unke baare mein hum padhenge. Yahan par aapko picture ke saath unki detail di hui hai. First hai Kanishka the Great. Kanishka was the Kushan Emperor. He was famous for his military, spiritual and political deeds. ठीक है, वह अपने आध्यात्मिकता, military मतलब उनकी जो सेना है and political deeds राजनीतिक जो कार्य थे उनके लिए क्या थे, बहुत ही famous थे. Now next है हर्षवर्धन. हर्षवर्धन was the ruler from the northern province of India. ठीक है, ये northern province of India के क्या थे, ruler थे, वहाँ की संभाल करते थे. ही यूनाइटेड द स्मॉल रिपब्लिक्स फ्रॉम पंजाब टू सेंट्रल इंडिया. इन्होंने एक गणतंत्र रिपब्लिक्स का क्या किया था, यूनाइटेड बनाया था, इनको सबको इकट्ठा किया था. कहाँ से कहाँ तक, पंजाब से सेंट्रल इंडिया तक. ठीक है, सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य भारत तक. नाउ नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वॉज मोस्ट पावरफुल किंग इन द रीजनिंग टाइम ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया. भारत में जब गुप्ता डायनेस्टी का राज्य था उस समय ये बहुत ही पावरफुल एक राजा थे जिन्होंने बहुत अच्छा राज्य भार संभाला था. और नेक्स्ट है समुद्रगुप्ता. समुद्रगुप्ता वॉज फादर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उनके पिता है, ये पिता थे. He was considered to be the best genius of the era of organizing a vast military empire. ठीक है, इनको बहुत ही ये क्या थे, जीनियस थे, और अपने युग में इन्होंने बहुत बड़ी एक मिलिट्री एम्पायर का ऑर्गेनाइजिंग किया था, मतलब बहुत बड़ी एक मिलिट्री इन्होंने बनाई थी. नाउ नेक्स्ट है रंजीत सिंह. रंजीत सिंह वॉज मोस्ट फेमस सिख रूलर ऑफ सिख एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, भारत में सिखों के गुरु कहे जाते हैं, ये सिख एम्पायर हुए हैं रंजीत सिंह. ही रियूनाइटेड द डिवाइडेड पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड पंजाब. ठीक है, इन्होंने पंजाब में शासन किया और उनको डिवाइड होने से रोका था. और नेक्स्ट है शिवाजी. शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर एंड इन्वेंटेड अ वेरी फ्यू फाइटिंग टेक्निक्स ऑल्सो नोन एज गोरिल्ला वारफार. ठीक है, शिवाजी जो है, शिवाजी महाराज जो थे मराठा थे, ये मराठा एम्पायर, मराठा के एम्पायर थे मेरठ के. ठीक है, एंड इन्वेंटेड अ वेरी न्यू फाइटिंग टेक्निक. इन्होंने बहुत नई नई जो लड़ने की टेक्निक्स होती है, जो तरीका होता है, वो निकाला था. और इनको किस नाम से जाना जाता था, गोरिल्ला वारफार. ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. कृष्णदेवराया. कृष्णदेवराया वॉज फेमस रूलर फ्रॉम साउथ इंडिया हु इज़ नोन टू बी द बेस्ट अमंग पीपल फॉर हिज ह्यूमेनिटी, काइंड हार्टेड एंड हिज जजमेंट. ठीक है, कृष्णदेवराया बहुत ही फेमस एक रूलर थे, एक शासक थे साउथ इंडिया के, जिन जो किस लिए जाने जाते थे, लोगों के बीच ह्यूमेनिटी मतलब मानवता, दयालुता, बहुत दयालु थे ये, और इनका जो जजमेंट था वो बहुत सही था. ठीक है, न्याय का जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था. नाउ नेक्स्ट है अकबर. अकबर द ग्रेट वॉज द फेमस मुगल रूलर. ठीक है, ये एक मुगल शासक थे बहुत ही प्रसिद्ध, एंड टुक द एम्पायर टू इट्स हाईएस्ट हाइट, और अपने साम्राज्य को ये बहुत ऊंचाइयों तक ले गए थे. नाउ नेक्स्ट है अशोका. अशोका द ग्रेट वॉज फेमस रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन इंडिया. मौर्य साम्राज्य के सबसे महान योद्धा हुए हैं अशोका. हिज किंगडम कंसिस्टेड द मेन पार्ट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, इन्होंने भारत के जो मेन पार्ट्स है, मुख्य भाग है, उनमें अपना राज्य स्थापित किया था. नाउ नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रूलर ऑफ मगध. ठीक है, मगध के राजा थे ये, मगध के शासक थे, एंड द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर इन इंडिया. ठीक है, और भारत का जो मौर्य एम्पायर था उसके फाउंडर थे, उसका इन्होंने निर्माण किया था, उसको उन्होंने बनाया था. तो यहाँ पर ये कुछ ग्रेट एम्परर्स हो गए हैं जिनके आपको नेम्स लर्न करना है और ये कहाँ के शासक थे वो आपको लर्न करना है.
नाउ नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी है, अरेंज दिस मुगल एम्परर्स एज दे रूल्ड इंडिया. ठीक है, यहाँ पर आपको इनके नेम अरेंज करना है कि सबसे पहले किसने शासन किया, देन उसके बाद किसने किया, देन उसके बाद किसने किया. यहाँ पर 1 to 6 यहाँ पर मुगल एम्परर्स के नेम दिए हुए, मुगल साम्राज्य के योद्धाओं के नेम दिए हैं. तो आप आंसर की से इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और यहाँ पर अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे. तो यहाँ तक सभी बच्चों को अपना वर्क अच्छे से जीके का कंप्लीट करके रखना है. और ईवीएस की नोटबुक जिसकी इनकम्प्लीट है, वो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक कंप्लीट कर लें. थैंक यू.